नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको पोर्ट ब्लेयर जाने से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट बातें डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप भी पोर्ट ब्लेयर जाना चाहते हैं या वहां के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। इसमें मैं आपको बताऊँगा कोविड के दौरान किस प्रकार से वहाँ पर यात्रा की जा सकती है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए वीक में 5 फ्लाइट्स हैं। कलकत्ता से पहली फ्लाइट है सुबह 5:35 पर और लास्ट जो फ्लाइट है दिन की सुबह 9:45 पर। इंडिगो, गो फर्स्ट एंड स्पाइस जेट की फ्लाइट्स वीक में 7 दिन है जो पोर्ट ब्लेयर जाती हैं। वहीं विस्तारा और एयर इंडिया केवल 5 दिन ही पोर्ट ब्लेयर जाती है। एयरपोर्ट पर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में मेंशन्ड आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा, जो आपको टिकट बोर्डिंग पास के दौरान दिखाना होता है। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप एयरपोर्ट पर समय से पहुँचें। सिक्योरिटी चेक के बाद आप एयरपोर्ट का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से फ्लाइट्स को देखने में बहुत ही आनंद आता है। अगर आपको रेस्ट करना है तो कोलकाता एयरपोर्ट का लॉन्च बहुत ही आलीशान है। यहाँ पर आप काफ़ी समय एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ का खाना पीना भी काफ़ी अच्छा। फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद आपको मास्क लगाना मैंडेटरी है। आइए कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। स्वागत है। बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आप अपने बालकॉन्स का उपयोग कर सकते हैं।
सभी यात्रियों से निवेदन है कि कुर्सी के पेटे का संकेत बंद होने तक अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहें। ऊपर बने सामान का सावधानी से खोलें। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रही। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आपको दोबारा से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं। अगर आपने सिंगल डोज लगवाई हुई है या सेकंड डोज को 15 दिन नहीं हुए हैं या आपके साथ 5 साल से बड़ा बच्चा है तो आपका RT-PCR किया जाएगा। RT-PCR कराने के बाद आपको एक दिन पोर्ट ब्लेयर के ही होटल में सेल्फ क्वारंटाइन करना होता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा लेकर आए। Thank you.